हम चर्चा कर रहे हैं आखिर बिहार के मुख्यमंत्री मांझी की क्या मंशा है। अंतरजातीय विवाह को लेकर उन्होंने टिप्पणी की है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या बिहार के अंदर जेडीयू की राजनीति की जो जमीन है वो खिसक रही है, उसको लेकर अब मांझी जो हैं अस्वस्थ नहीं है, इसलिए इस तरीके की टिप्पणियां आ रही हैं। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, चर्चा जारी है। दलितों के नाम पर क्यों हो रही है बिहार में राजनीति? क्या मांझी जनसंख्या नियंत्रण नीति के खिलाफ है? मांझी का विवादों से पुराना नाता रहा है? बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पटना में एक वेलफेयर छात्रावास कार्यक्रम के दौरान दलित छात्रों को संबोधित करते हुए एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि दलित छात्रों को जात पात से ऊपर उठकर अंतर जातीय विवाह करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमें एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनना है तो हमें अपनी जनसंख्या को 16% से बढ़ाकर 22% करना होगा। हम आज के दिन में यही परामर्श देना चाहेंगे कि कम से कम शेड्यूल कास्ट के बच्चों को अंदर जातीय विवाह को प्रमोट करना चाहिए, और यदि हम लेट हो गए तो हमारी जनसंख्या 22% की हो जाएगी। अब 22% जो वोट मिला बिहार में सरकार उसी की बनेगी, किसी की। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में अभी अच्छे आदमी की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि ये कोई पहला मामला नहीं है कि मुख्यमंत्री ने ऐसा विवादास्पद बयान दिया हो। इसके पूर्व भी उन्होंने खुद बिजली विभाग में रिश्वत लेने की बात कही थी और अपने ही नेता नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश ने राज्य के विकास के लिए तो कई काम किए लेकिन भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा सके। हालांकि बाद में इन बयानों पर सफाई देते हुए नजर आए। मांझी की पार्टी जेडीयू ने खुद को उनके इस बयान से अलग कर लिया है। इस मामले में पार्टी के राज्यसभा सदस्य केसी त्यागी ने कहा कि मांझी के बयान में कुछ गलत नहीं है। मांझी साहब सीधे साधे आदमी हैं और हम समझते हैं कि भाषा पर बहुत ही जाना चाहिए, भाव अलग होता है। देखिए, वैसे तो गरीब लोग जो हैं उनमें बर्थ रेट तो ज्यादा होता ही है, उसका उनकी पिछड़ापन, उनकी गरीबी, उनके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं होना, तो ये सब चीजें होती हैं। तो लेकिन हम नहीं समझते हैं कि बने उन्होंने उनकी मनसा इस तरह की रही हो। साथ ही उन्होंने कहा कि अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि जाति प्रथा खत्म हो सके, लेकिन इसे जनसंख्या बढ़ाने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जनसंख्या बढ़ाना तो यूं भी राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति के खिलाफ है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री क्या राजनीति में जातिवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं? वैसे भी मांझी का विवादों से पुराना नाता रहा है। दर्शन न्यूज के लिए गणेश पाठक की रिपोर्ट। तो सवाल यही है कि मांझी क्या किस मंशा के तहत इस बयान को दे रहे थे? यहाँ पर स्पष्टीकरण जरूर दिए जा रहे हैं। बलबीर साहब, वापस आप ही के पास आना चाहता हूँ। क्या जेडीयू को दलित ही वोट देते हैं, इसके अलावा कोई वोट नहीं देता? ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी को सभी लोग वोट देते हैं और तभी हमारी पार्टी का इतना बड़ा विस्तार हुआ है। और जतन मांझी बड़े सीधे साधे आदमी है और उन्होंने जो भी कहा है उसका उद्देश्य सिर्फ वही है कि अंतरजातीय विवाह होने चाहिए, दलित मजबूत होना चाहिए, दलित पीड़ित शोषितों का उत्थान होना चाहिए। यही बात महात्मा गांधी ने भी कही है, यही बात राम मनोहर लोहिया ने भी कही है। उन्होंने जो कहा है वो ठीक है, चलिए ठीक है। वहाँ उन मांझी साहब ने उन चीजों को, और ये जो चीज उन्होंने लाइन जोड़ी है 16 से 22% करने के लिए राजनीति के वोट मिलने चाहिए, वो महात्मा गांधी या बी.आर. अंबेडकर ने उन चीजों का जिक्र नहीं किया। बहरहाल वापस आऊंगा आपके पास, ठीक है? ठीक है मनोज जी, मूल की अगर बात की जाए, ठीक है? ठीक है बलबीर साहब, वापस आऊंगा आपके पास। मनोज जी, मूल की अगर बात की जाए, सवाल ये है कि क्या बिहार के अंदर राजनीति जो है जातिगत राजनीति वो हावी हो रही है और उसे ही बार बार भुनाने की कोशिश की जाती है? देखिए, इसका इतिहास रहा है और मैं ये कहूंगा कि भारत की राजनीति की ये रीति नीति रही है, संस्कृति रही है कि जब ये बहुसंख्यक बार डेमोक्रेसी में अंक गणित, वोटों का परसेंटेज, मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में आप कितने ज्यादा परसेंटेज वोट लेते हैं, सोशल इंजीनियरिंग
तो इस जातीय समाज में, इस बहुधर्मी समाज में, बहुजातीय समाज में जो हमारी जो लोकतंत्र में जो संविधान निर्माताओं ने उस समय गौर नहीं किया कि यह लोकतंत्र जो है शिकार हो जाएगा ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का, हर ग्रुप, हर इंटरेस्ट जो सोशल इंटरेस्ट ग्रुप हैं उसके आधार पर लामबंद होंगे, पार्टियों का निर्माण करेंगे, लोगों को टिकट दिया जाएगा, वोटों की व्यूह रचना बनेगी। और ये हमारा 65-67 सालों का ये राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है कि हर पार्टी ने आइडेंटिटी के आधार पर जो है अपने दलों का सिद्धांत बनाया, कोई कम्युनिटी के आधार पे, कोई कास्ट के आधार पे। तो जो माझी साहब ने जो वो सवाल खड़ा किया, ये दरअसल एक देखिए माझी ने जो सवाल खड़ा किया, कभी लालू यादव ऐसे कहते थे कि यादव और मुस्लिम का जो है 30% वोट होगा हम सरकार में आ जाएंगे, कभी 80% हिंदू की परिकल्पना हमारी भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस पार्टी तो हर जगह जो है उनका एक इक्वेशन था। सर सुन लीजिए बलबीर साहब, मैं एक इंटेलेक्चुअल बात कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का सामाजिक समीकरण था ब्राह्मण मुस्लिम और दलित। तो ये जो हमारे समीकरणों के आधार पर देश के तमाम राजनीतिक दलों ने जो राजनीतिक जो है सोशल इंजीनियरिंग की, इससे देश का कहीं भला नहीं हुआ है। और उसी लीक पर चलने की वजह से हर पॉलिटिकल पार्टी कंपटीशन में जो है वो अपना जो है सोशल इंजीनियरिंग करती है। हाँ। और इसी के तहत माझी ने ये बात जो है दलितों वाली बात कही कि पॉलिटिकल पावर बने। आज देश में हर जातियां पॉलिटिकली इंपावर, तो सवाल यही आता है ना कि अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहा है, एक सेकंड एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा, देश की राजनीति के लिए अगर आप दलित तबके, वंचित तबके या पिछड़े तबके के अगर भले की बात कहते हैं, तो पहले तो हमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खत्म करनी होगी, दूसरा गुड गवर्नेंस पे सारी कॉम्पिटेटिव डेमोक्रेसी लानी होगी, और तीसरा ये कि जो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, दलित का तो हवा उछाल दिया लेकिन एमपी एमएलए एक ही बनेगा, आईएएस 2-4-5 ही बनेंगे, बाकी लाखों करोड़ों लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे? रिजर्वेशन काम नहीं आएगा। और सवाल भी इसीलिए आपको सवाल भी इसीलिए वही मैं कह रहा हूँ, अगर सोशल एम्पावरमेंट सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा आधार है जिसके लिए पार्टियां काम नहीं कर रही हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार और ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम एक रूटीन के तहत हो रहा है। बिल्कुल। और अगर मुख्यमंत्री इस तरीके का स्टेटमेंट देता है तो उसके बाद सवाल उठता है कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, अशिक्षित हैं, उनके पास क्या मैसेज जा रहा है, उनका उत्थान किस तरीके से होगा? गौर होती कि माननीय मुख्यमंत्री जो बात हमारे बंधु कह रहे हैं कि अपने समाज के, दलित समाज के युवाओं को तकनीकी शिक्षा की बात में आगे बढ़ने के लिए कहते, उनको कहीं ना कहीं समाज में जो भागीदारी सुनिश्चित जिस स्तर पर भी हो सकती है उसकी बात करते, सामाजिक समरसता की बात करते, बिल्कुल उससे फायदा होता ये है, सारी बातें ना करके उन्होंने केवल एक हताश हताश राजनीति, मुझे बोलने दीजिए मैं आपका जवाब दूंगा, हताश राजनीति का एक ऐसा उदाहरण छोड़ा कि किसी भी तरीके से एक ऐसा शोषा समाज में छोड़ा जाए जो व्यवहारिक नहीं है, फिर लव इन जिहाद में और लव फॉर सत्ता नहीं, लव, वो क्या फर्क रह जाएगा? नहीं ठीक है, वो क्या फर्क हो जाएगा? चलिए ठीक है, लेकिन ये गलत बात है। हाँ, इससे सामाजिक विषय बढ़ेगा, विद्वेष बढ़ेगा, और वैसे भी पढ़ा लिखा जो भी वर्ग है आज की वो ऊपर जाके कहीं कास्टिंग में विश्वास नहीं कर रहा है, शादी यहां हो भी रही है, लेकिन यहाँ पर अशिक्षित को और जो गरीब लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाने की बात है, उनके उनको उनको, उनको क्या समझ, उनको क्या समझ में आ रहा है? सवाल यही है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, आज दलित समाज की स्वीकार्यता बढ़ी है, हम साथ बैठकर, मैं तो स्वयं कहता हूँ साथ बैठकर हम खाते हैं, साथ बैठकर हम गले मिलते हैं, ऐसा पहले नहीं था, छुआछूत का जो वातावरण था, आप लोग छुआछूत नहीं, देखिए मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए, छुआछूत का जो वातावरण था उसमें बहुत कमी आई, अब कोई ऐसा कुछ नहीं है, दलित समाज समाज की विकास की भागीदारी में भी एक बड़ा अंग बन चुका है, ठीक है, और हम उस वर्ग का राजनीतिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर आ जाते हैं, हम उस वर्ग को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर आ जाते हैं, नुकसान होगा क्या बीजेपी को? अगर नहीं, महागठबंधन एक तरफ है और साथ ही साथ इस तरीके की अगर राजनीति की जाती है, क्योंकि लोग जो हैं अशिक्षित हैं, गरीब हैं, उनको अगर इस तरीके से मैसेज दिया जाएगा उनके जहन पर क्या असर पड़ेगा? आप लोगों को नुकसान होगा उसका, क्या मेरे से कह रहे हैं जी? अशोक गोयल साहब, मेरा कहना ये महागठबंधन जो बनने वाला होगा, मेरी जानकारी में अभी पूरा नहीं है कौन कौन उसमें आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं, नहीं तीनों पार्टियां आरजेडी जेडीयू कांग्रेस, हाँ कोई बात नहीं है, आने दीजिए, तीनों हताश दल हैं, तीनों की हालत जनता ने पतली कर दी है, तीनों जो है कहीं ना कहीं देश को किसी न किसी रूप में लूट चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के
जो सरकार वर्तमान सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी है वो समाज के दलित कमजोर पिछड़े सबसे पिछड़े अच्छे वर्ग के लिए प्लीज अच्छे भाई साहब बीच में नहीं बोलिए प्लीज बीच में नहीं बोलिए आप बाद में कहिएगा आप अपनी बात कहिएगा। मैं समझता हूँ समाज का मनोबल बढ़ा है आज समाज ये महसूस करने लगा है कि मोदी जी के नेतृत्व में आम गरीब व्यक्ति उसके अधिकार उसको कहीं ना कहीं उसको अगर सुरक्षा के लिए बीमा ये सारी चीजें मोदी जी के समय में आने की योजनाएं आ रही है और भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों की हितैषी है वो कमजोर और ये अगले पिछड़े का भेद नहीं जानती वो सारे के सारे लोगों को सामाजिक समरसता के साथ एक मजबूत भारत विश्व में स्वाभिमानी भारत विश्व में स्वाभिमानी भारत मजबूत भारत वो भारत ठीक है मिजाज मिजाज क्या समझ रहे हैं इराक से अपने लोगों को वापस सके ठीक है ठीक वो भारत जो आरसी यादव साहब नहीं यहाँ पर मिजाज समझने की बात है क्या नहीं ठीक है मिजाज समझने की बात है आरसी यादव साहब के बात आना चाहता हूँ मिजाज समझने की बात है सवाल ये है कि क्या मिजाज समझने की कोशिश की जा रही है अभी से समझ में ये आ रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद की जो हताशा है या लोगों के अंदर जो गुस्सा वो खत्म नहीं हुआ है आरसी यादव साहब जी आपसे पूछ रहा हूँ एक बार फिर से बोलिए मेरा सवाल ये है कि जो लोकसभा चुनाव के बाद लोगों के अंदर गुस्सा था या जो मांझी हैं वो ये समझ रहे हैं कि इतना वक्त बीत जाने के बाद भी लोगों के अंदर वो गुस्सा खत्म नहीं हुआ है अब अगर अपनी सियासी गद्दी बचानी है या अपना वोट बैंक बचाना है तो आपको इस तरीके की बातें करनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही है बात ही यही है उनको पता है एक्चुअली पहले जो था जदयू का ग्रीप अरे पॉलिटिकल लोगों को बैठाया करिए हाँ दलित अरे बाप सुनिए तो पॉलिटिकल लोगों बहस में बैठाया करिए क्यों मैं कैसे पॉलिटिकल नहीं वाह वाह बहुत पॉलिटिकल हो बात से भागते हो आप पॉलिटिकल हो किसी को नहीं पॉलिटिकल करते हो आप हमसे बहस कर लो पॉलिटिक्स पर आप क्या जानते हो आप गलत तरीके से मत करो बलबीर ठाकुर आपको कुछ पता ही नहीं है किसी को नॉन पॉलिटिकल आप कहते हो आप बहस कर लो क्या जानते हो आप छोड़िए ना आप लोग नहीं ठीक है अरे नहीं व्यक्तिगत व्यक्तिगत टिप्पणी ये है ये लोग सुनने से भी ये करते हैं। वास्तविकता ये है कि एनडीए फॉर्म के पहले महादलित और अति पिछड़ा लोग जो जाति के हैं वो उस पर नीतीश जी का कंट्रोल था वो मैंने पहले भी बताया इसमें अब लोग रामविलास जी के साथ दलितों का झुकाव है पिछले इलेक्शन में भी ये एनडीए को एक मुसहर जाति होता है उसके अलावा जितने दलित लोग थे महादलित की मैं बात कर रहा हूँ दलित तो दलित में तो केवल पासवान को रखे हैं ये नीतीश जी ने वहाँ तो पॉलिटिक्स हुई ही है ये डिवीजन की उसमें भी दलित महादलित किए हैं इवन महादलित में मुसहर के अलावा जो भी कास्ट हैं वो सारे ये एनडीए में वोट किए हैं इसकी घबराहट इन लोगों को है और इसी तरह मेरा वोट बैंक बचे इसलिए इन्होंने ऐसा किया है अति पिछड़ा भी आ गया है एनडीए में हाँ। दो तीन कास्ट को छोड़ के हाँ। जैसे आप केवट ले लीजिए हाँ। एक सोयर ले लीजिए ठीक कास्ट है वहाँ पर हाँ। सारे कास्ट जो है आज के स्थिति में वो एनडीए के साथ है। सवाल वही आता है घूम फिर के कि जातिगत राजनीति से बिहार अभी भी अछूता नहीं है मनोहर मनोज साहब नहीं मनोहर मनोज साहब सबसे बड़ी बात है आपने कुछ देर पहले यही कहा कि तमाम पार्टियां जो है इसके बेस के अंदर है तमाम पार्टियां इस तरीके से काम कर रही है सवाल यही है कि इन तमाम चीजों को हटाया कैसे जाएगा शुरुआत कौन करेगा किसी को तो यहाँ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना अगर मुख्यमंत्री इस तरीके की टिप्पणियां कर रहा है तो उसके बाद मैसेज क्या जा रहा है। देखिए मुख्यमंत्री की टिप्पणी से ये सारी चीजें तय नहीं होंगी ये इस ट्रेंड को खत्म करना होगा इस रीति नीति को खत्म करना होगा और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ही हमें एक बड़े दूर का जो है सोशल एजेंडा तय करना होगा और मैं ये अपेक्षा करता हूं कि नरेंद्र मोदी अगर वो विजन की बात करते हैं तो राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर हट करके अगले 50-100 सालों का देश क्या होगा देश की राजनीति की रीति नीति क्या होगी देश में सोशल जस्टिस को लेकर के क्या काम होगा हमने जो पहले आपको कहा कि मूलभूत जो सवाल हैं कि कैसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खत्म किया जाए कैसे जो है ग्रेटर सोशल जस्टिस की बात किया जाए सोशल एम्पावरमेंट बढ़ाया जाए ये जो राजनीति के जो अपने अपने समीकरण हैं अगर अपने अपने जो गुट हैं उसके आधार पर तो बहुत पहले से काम हो रहा है और उसी आधार पर मांझी जी ने भी बात कहा मांझी जी कोई बहुत ही
धूर्त और बड़े ही निष्णात कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। मैं सहमत हूं कि वो एक सीधे साधे व्यक्ति हैं, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि भारत में जो एक सोशल पॉलिसी है और जो उसका पॉलिटिक्स से जो एक इंटरकनेक्शन है उसे हमें ये तय करना होगा। मैं ये हमेशा मानता हूं कि सेकुलरिज्म एक बहुत ही शानदार शब्द है, यानी कि राजनीति में कोई भी धर्म से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो राजनीति जो धर्म है वो विवादास्पद मुद्दा है। वैसे ही जातियों को लेकर के अगर समीकरण बनता है तो ये कहीं से समाज का भला नहीं होता है। गुड गवर्नेंस जो है, जो कि नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, मैं नरेंद्र मोदी के कई बातों से सहमत नहीं हूं, लेकिन जो बातें उनकी अच्छी हैं मैं उनका हवाला देना चाहूंगा कि गुड गवर्नेंस जो है वो हाईवे है जो तमाम समस्याओं को दूर करता है। तो हमें इसको एड्रेस करना होगा। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी मातृ संस्था आरएसएस को इसके लिए ज्यादा काम करना होगा। अगर सामाजिक समरसता केवल कह देने से समान रस नहीं आएगा, अगर सबका विकास एक बराबर नहीं होगा तो समरसता कहना बड़ा आसान है। जो आदमी कम विकसित है, कोई आदमी ज्यादा विकसित है, किसी की सोशल प्रेस्टीज ज्यादा है, किसी की कम है, तो समान रस नहीं होगा। हमें सोशल एम्पावरमेंट को लेकर के दीर्घकालीन योजना बनानी ही पड़ेगी, योजना बनानी जरूरी है। जहां तक जानकारी है मेरे बंधु ने, मैं बंधु की बहुत सारी बातों से सहमत भी हूं, जैसे वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की बातों से मैं सहमत हूं, तो मैं भी बंधु की बहुत सारी बातों से सहमत हूं। आरएसएस ने वास्तव में इस दिशा में काम किया है, आदिवासी क्षेत्रों में कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए आगे आए हैं, उन लोगों को शिक्षा देने का काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। संघ ने सारे हिंदुओं को बिना किसी जाति भेद के जोड़ने का काम किया है, राष्ट्रवाद के लिए आगे बढ़े हैं। और निश्चित रूप से मेरा ये फिर कहना है, स्पष्ट मानना है कि ये जो आज का बयान है, अगर उसमें वो शब्द हटा दिए जाएं, लास्ट वाले शब्द हटा दिए जाएं, शुरू की लाइन सही थी कि क्या नाम जो है कि हम 16 से 22% होकर हमेशा के लिए सत्ता पर कब्जा कर लें, कोई भी एक जाति के आधार पर कभी भी कोई सत्ता में व्यक्ति नहीं आ सकता। सुनिए हमारी बात प्लीज, मैं जो कहना चाहता हूं भूल जाऊंगा। 16% से 22% बनकर हम सत्ता में नहीं आ सकते। सत्ता में आने के लिए 35%, 40%, 42% प्लीज 45% ये संख्या चाहिए। इसके लिए समाज के सभी वर्गों को जोड़ना पड़ेगा। और जो समाज में विग्रह की बात है, ये जो है ये कम से कम कि गैर जातीय विवाह करो और वो भी इस उद्देश्य से करो, इससे समाज में विग्रह पड़ेगा और हमारे दलित समाज को कहीं ना कहीं अलग थलग करने का प्रयास है। जातिगत दलित समाज सबका है, बल्कि दलित समाज का हम पूरा सम्मान करते हैं। ठीक है बलबीर ठाकुर साहब, जातिगत राजनीति को बढ़ावा इस बयान से नहीं मिलता है, ये साबित कैसे होगा? क्यों नहीं जातिगत राजनीति को इससे बढ़ावा मिलेगा? देखिए मैं बड़े आदर्श, मेरी बात जरा ध्यान सुनिए, मैं आपको बड़े आदर्श से बताना चाहता हूँ। जतिन राम बाजी बड़े सीधे आदमी है, वो एक्सेप्ट कर लिया हमने, वो बहुत सीधे हैं, बिहार की है वो। सुनिए मेरी बात सुनिए भाई साहब, सीएम है वो, बिहार की राज, ठीक है बात, बिहार की राजनीति में अपर कास्ट का ज्यादा दबदबा नहीं है, इसलिए इन शब्दों को तोड़ मरोड़ का पेश ना किया जाना चाहिए। जहां तक बात उत्तर बिहार के अंदर, जहां तक बात बिहार के चुनावों की है, जैसा उन्होंने गठजोड़ के बारे में कहा, वोट की राजनीति की, बड़े आदर के साथ बताना चाहता हूं, हमारी पार्टी ने कभी भी जाति के आधार पर राजनीति नहीं की। यह हमारी पार्टी का खेल था, यह हमारी पार्टी की कोशिश थी कि हमने 89 में भी हमने बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के बाद पार्टी की नीति दलित पीड़ित और शोषितों के लिए लागू की। देखिए बिहार को मैंने भी बहुत दिल से देखा, ठीक है, इसलिए मैं बड़े आदर से मेरी पूरी सुनिए और बिहार के मेरी बात पूरी सुनिए, ठीक है बोलिए। बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बिहार का व्यक्ति इतना संवेदनशील है कि और परिपक्व है कि उसे किसी बात के बहकाया या पकाया नहीं जा सकता। ये भूमि बहुत, इसके ऊपर कुछ कहना चाहूं, राजनीतिक परिपक्व लोगों की भूमि है, इसलिए मैं बड़े आपसे पुनः निवेदन करूंगा,
कि जतिन राम मांझी के बयान को गलत परिप्रेक्ष्य में न लिया जाए। उनका उद्देश्य दलितों के उत्थान के लिए गांधी जी की वाणी राम मनोहर लोहिया की वाणी वहां जाने की जरूरत नहीं। बलबीर साहब वहां जाने से मैं आपको रोक रहा हूं, बार बार की उस स्टेटमेंट पर मत जाए जाइए और महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर को उससे ना जोड़े। मैं गोयल साहब के पास आना चाहता हूँ। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मेरा कहना यह है कि बिहार का युवा, मैंने कम से कम 200-400 बार कम से कम बिहार में दौरा करते समय रेलगाड़ियों में और हर जगह बिहार के अनेकों शहरों में जाते समय सब कुछ सुना है। वहाँ राजनीति परिपक्वता बहुत ज्यादा है। बिहार के युवा के अंदर आपस में चर्चा करना, उसको राजनीतिक ज्ञान, उसको हर चीज का ज्ञान है। मुझे निश्चित रूप से ये विश्वास हो रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार के वर्तमान सरकार जो नीतीश जी की पार्टी की सरकार है कहीं ना कहीं निराशा के दौर से गुजर रही है। आने वाला भविष्य उन्हें धूमल नजर आ रहा है और कोई ऐसा जातिगत मुद्दा छोड़कर 25 तारीख को पता लग जाएगा। प्लीज कोई बात नहीं, जातिगत मुद्दा छोड़कर समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि सबको जोड़कर सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ बिहार के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने चाहिए, बिहार के अंदर शिक्षा के साधन खुलने चाहिए, बिहार के लोगों को रोजगार के लिए बंबई महाराष्ट्र यूपी ना जाना पड़े इसकी चिंता होनी चाहिए, बिहार के गांवों में पानी की बजाय चारा खाने के वहां पानी की जो है नहरें खुलनी चाहिए। बिहार के विकास को लोगों ने लूटने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी के साथ सुशासन देने का प्रयास किया और बिहार के हमारे कोटे के मंत्रियों ने बिहार के विकास के लिए काम किया, लेकिन लगता है कि पटरी से उतर गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पक्ष में हैं, ठीक है, वहाँ का युवा, वहाँ का युवा मोदी जी के प्रति आक्रमण, ये डेवलपमेंट का ट्रैक है, इसी को डेवलपमेंट का ट्रैक कहते हैं। ये मैं तो मानता हूँ कि राजनीति एक अखाड़ा है और इस अखाड़े में सब प्लेयर अपने अपने दांव लेकर के बैठे हैं। सबके पास कुछ स्टेटमेंट है, कुछ इमोशन है, किसी के पास तर्क है, लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर से देखें और एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के पैरामीटर से देखें तो सबके जो है असली चेहरे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि जो लालू का जो राज था वो निश्चित रूप से हर दृष्टि से जो है वह अशोभनीय था, गैर आदर्शवादी था और नॉन प्रोग्रेसिव। एक सवाल, मैं आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं सवाल यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वीपी सरकार का भी जिक्र हो रहा था। सवाल ये है कि क्या ये मंडल का मंडल वाली जो राजनीति का बार बार जिक्र, एक शब्द कहना चाहता हूँ, क्या ये उसी की प्रेरणा है, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नीतीश जी का जैसे लालू से गठबंधन हुआ है वो एक राजनीतिक हताशा और एक मजबूरी के तहत हुआ है और कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज और सामाजिक समीकरण और जो भारतीय जनता पार्टी से जो नीतीश कुमार का जो वो हुआ नरेंद्र मोदी के बहाने, तो होता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उसी आधार पर जो ये सत्ता की राजनीति है, जो इसमें सामाजिक समीकरणों के जरिए मजबूती का प्रयास किया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा के गठबंधन के जवाब में लालू और नीतीश साथ आए हैं। तो मंडल और कमंडल आज भी लालू यादव जो है उनकी आत्मा में मंडल और कमंडल की राजनीति बैठी हुई है। जब वो बीच में उनकी हार हुई तो उन्होंने कहा कि 60% का आरक्षण कोटे में तो ठेके में, अरे कोटे ठेके आईएएस आईपीएस और पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे दीजिए तब भी 95% दलित जो है वो आज भी जो है गर्दिश में ही जीवन जिएगी। उसके लिए सोशल एम्पावरमेंट चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि नीतीश कुमार जी ने एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक गुड गवर्नेंस के चैंपियन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार का कायाकल्प किया और आज बिहार जो है पुनः दूसरी मोड़ की ओर जा रहा है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी ने एक बार बयान दिया था कि अब किसी की भी सरकार आए, हम जाएं या न जाएं, बिहार में विकास की धारा को अब कोई विमुख नहीं कर पाएगा। ठीक है बलबीर जी, अब हो सकता है कि बिहार का जो है विकास जो है, ठीक है, अब कोई भी पार्टियां डरे उसकी उपेक्षा करने। बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बड़े आदर से ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ काम करती रही तब हमारी पार्टी का विजन और कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर विजन की बात करके, सुपर विजन की बात करके, शिक्षा की बात करके, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करके, ठीक है, सिर्फ आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहती है, लेकिन बिहार की विकास की धारा नहीं, 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 सवाल सवाल वो नहीं, सवाल ये है कि इस एजेंडे के, नहीं वो किस एजेंडे से जा रहे हैं वो एक अलग सवाल है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस एजेंडे के तहत जो बात मांझी ने कही है
सवाल ये है कि क्या उस एजेंडे के तहत बिहार की सत्ता को हथियाया जाएगा और क्या ये तरीका सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मांझी बिहार को किस ओर ले जाना चाहते हैं, क्या मंशा उनकी है और क्या दलितों का उत्थान सिर्फ जनसंख्या बढ़ाकर या इस तरीके के बयान देकर किया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। बिहार की राजनीति में करवट बदलती हुई दिख रही है, लेकिन सवाल यह है कि वो करवट किस तरीके से बिठाई जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री मांझी कहते हैं कि जातिगत राजनीति से ऊपर उठिए, लेकिन ये जातिगत राजनीति किस ओर बढ़ावा देने की बात है। दलितों को आगे बढ़ाने के लिए मांझी की तरफ से कहा गया है कि ज्यादातर लड़के अपनी जाति से बाहर जाकर यानी अंतर जातीय विवाह करें, जिससे जनसंख्या बढ़ाई जा सके और उनकी जाति को फायदा हो और उनकी जो साथ ही साथ पैठ है जो राजनीति में उसे बढ़ाया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके की बातचीत करना ठीक है। और साथ ही साथ सवाल यह भी खड़ा होता है कि जेडीयू की तरफ से अगर इस तरीके के बयान आ रहे हैं तो क्या जेडीयू को लगने लगा है कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी स्थिति डाबाडोल है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अंतर जातीय विवाह को प्रमोट करना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का ये पहला अजीबो गरीब बयान नहीं है, उनका भी ऐसे विवादित बयानों से पहले से ही नाता है। इनके अजीबो गरीब बयानों की फहरिस्त वैसे तो काफी लंबी नहीं है, लेकिन पीएम मांझी अपने आप को विवादित बयानों से अछूता नहीं रख पाए हैं। अपने इस बयान से पहले उन्होंने पार्टी के सीनियर नेता और बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर विवादित बयान दिया था। उनका कहना था कि नीतीश कुमार ने राज्य के विकास के लिए कई काम किए हैं, पर वो राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पाए हैं। नीतीश जी, हमारे गांव के हमारे घर के बगल में गया है एक प्रोफेसर, हमारे यहाँ बिजली का बिल आ रहा है 5,000 से 6,000 साल का, उनके यहाँ बिजली का बिल आ रहा है 500 से 1,200। वो भी कहे अभी जो मंत्री क्षेत्र कि आप तो गलती कर रहे हैं सर, तो कहे नहीं बातचीत कर लेते हैं, कैसे से बात करेंगे। तो हमको तो 5,000 आता है, तो दस यदि 500 रुपया दे देते हैं मीटर लीटर को और 500 रुपया सरकार को जमा कर देते हैं, 1,000 बाकी 4,000 हमारे। जीतन राम मांझी और कई बार अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाए। हाल ही में बिहार में हुए उपचुनावों में तो उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि आप सोचकर भी हैरान होंगे। जब वो बिहार में उपचुनावों की एक रैली में भाषण दे रहे थे तो उनकी रैली में आए लोग जब प्रदर्शन करने लगे तो उनसे नाराज होकर मांझी ने लोगों से चुप होने के लिए कहा, लेकिन जब लोग चुप नहीं हुए तो उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को पागल कह डाला। जी हाँ, पागल, उन्हीं लोगों को जो उनकी पार्टी का वोट बैंक है। अरे ठहरो ना यार, हल्ला करने से कोई काम होता है? कोई काम नहीं होता हल्ला करने से, चुपचाप रहो। तुम लोगों को जितना आप सोच रहे हैं वही बहुत काफी है, हल्ला करोगे तो कह देंगे कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा, हल्ला करते रहो। बिहार के मुख्यमंत्री के बयानों से साफ होता है कि वो लोगों में अपनी उपस्थिति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो भाषण देते वक्त भूल जाते हैं कि जमाना ग्लोबलाइजेशन का है, देश के 125 करोड़ लोग ही नहीं पूरी दुनिया उनके दिए अजीबो गरीब बयान सुनेगी। सुदर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा की रिपोर्ट। तो सवाल उठता है कि मांझी की मंशा क्या है, किस ओर ये राजनीति बिहार की लेकर जा कोशिश ले की जा रही है ले जाने की, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। आरसी यादव साहब हैं एलजेपी की तरफ से, अशोक गोयल साहब बीजेपी की,
बलबीर ठाकुर साहब जेडीयू की तरफ से कुछ देर में हमें इस चर्चा में ज्वाइन करेंगे और साथ ही साथ मनोज वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। मनोज जी, आपसे शुरुआत करता हूं, बिहार की जो राजनीति है और उसमें इस तरीके का बयान कैसे देखते हैं? देखिए, मैं थोड़ी अलग बात कहूंगा। मेरा ये कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देश का जो तमाम नेताओं के बयान आते हैं, बड़े अच्छे, कई कई बार बयान आते हैं, बड़े बड़े अच्छे तकरीर होते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ करके, जैसे कहा जाता है कि अगर निगेटिव न्यूज है तो न्यूज है, पॉजिटिव है तो वो न्यूज नहीं है। तो अगर किसी ने अगर कोई साफ गोई में अपनी आत्म अभिव्यक्ति में अगर व्यवस्था के सवाल को कोई खड़ा करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस तरीके से मसाला बना करके उसे डिबेट का इश्यू बनाता है, मानो वो देश के विकास का कोई बहुत बड़ा एजेंडा। कौन सी व्यवस्था है? जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे अभी तीन फुटेज दिखाए गए, तीनों फुटेज में उन्होंने अगर करप्शन को लेकर के सिस्टम की असली तस्वीर दिखाई है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई गलत बयान था। अगर नीतीश कुमार के बनाए हुए मुख्यमंत्री के बतौर उन्होंने इतनी हिमाकत की कि नीतीश कुमार के शासन का जब वो विश्लेषण कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि भ्रष्टाचार है, तो मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि राज्य के सिस्टम के बारे में उन्होंने पार्टी लाइन से अलग हट करके और अपने नेता से अलग हट करके साफ एक तस्वीर। अगर इतनी दृढ़ता मांझी के अंदर थी तो वो फिर बाद में पलटे क्यों? नहीं, बाद में अगर ये दृढ़ता इतनी ज्यादा है, अगर वो विकास का वही चेहरा दिखाना चाहते हैं जो नीतीश कुमार ने सामने रखा था, तो बाद में उससे वापस क्यों पलट गए? क्या है कि और जिस पहले बयान का आप जिक्र कर रहे हैं उसके जवाब दे रहा हूं। नहीं, एक मिनट, जो शुरुआत के जो पहले बयान का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर आप उसे आप पॉजिटिव मानते हैं, उसके बाद दो बयान जनता को आप पागल बता रहे हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि अंतर जातीय विवाह कीजिए, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि जो समाज के बीच में जो जाति की खाई है उसे पाटा जा सके, सिर्फ इसलिए कि आपका राजनीतिक फायदा हो सके। देखिए, मैं फिर दूसरे बयान पर आता हूं, उस पर तो मैंने कह दिया बिजली विभाग पर, कि जनता को जहां तक कहने का सवाल है, जो अगर असली नेता होता है, देखिए नेता का काम जनता के अनुसार चलना नहीं है, असली नेता का काम है कि जनता को सही दिशा देना, नेता का काम है टॉर्च बेरर का, टॉर्च दिखा करके जनता को राह दिखाने का। अगर जनता अनियंत्रित है, ये कौन सी दिशा है? अगर वो अनुशासन में नहीं है, तो अगर वो नेता के रूप में अगर उनमें इतना कॉन्फिडेंस है कहने का कि हल्ला मत करो, मैं इससे भी सहमत हूं उनके बयान से। अब आइए अब अंतरजातीय विवाह। कौन से बयान सहमत है? पागल कहने के? जो पागल कहने क्या कहा उन्होंने? आपने पूरा बयान सुना? करने का प्रयास किया क्या? उन्होंने जनता को नियंत्रित करने का प्रयास किया। जितना मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं इतना कोई नहीं करेगा, शांत हो जाओ वरना इतना भी नहीं मिलेगा। पागल कहीं के ये स्टेटमेंट है? नहीं, तो वो तो लास्ट में उन्होंने कहा ना, अपने गुस्से को वो करते हुए। लेकिन देखिए, ये मेरा मत है, सही मानते नहीं, ये मेरा मत है कि साफ गोई होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जनता के मुंह पर कुछ और, अंदर से कुछ और। जो साफ गोई और अगर पारदर्शिता अगर किसी नेता में है, तो मुझे लगता है कि जनता और समाज को वो सही दिशा दे सकता है। अंतर जातीय विवाह के मुद्दे पर मैं आता हूं। दिशा देना, देखिए अंतर जहां तक होना, देखिए जहां सब एक मिनट, आप अपनी बात आगे कहिएगा, ठीक है? साफ गोई का अर्थ क्या है? अपनी भाषा का पर नियंत्रण खो देना। देखिए मंत्र थोड़ा सा पागल, को पागल कहना, देखिए पागल वर्ड आ गया है, अगर कोई नहीं करेगा वरना इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। देखिए अगर छिद्रान्वेषण करेंगे, हार हो गए। देखिए अगर आप छिद्रान्वेषण करेंगे तो हर पब्लिक पर्सनालिटी के सुबह के लेकर से शाम तक का अगर स्पीच देखेंगे तो रोज 10 गलतियां आएंगी। छिद्रान्वेषण करेंगे अगर, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति जो है अपने आप में एक उसका एक जो है असली स्वरूप भी होता है, और एक इसका फॉर्मल स्वरूप सामने आ रहा है, उसी असली स्वरूप की हम बात कर रहे हैं मनोज साहब। अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? भाषा पर नियंत्रण जरूरी है या नहीं है? भाषा पर किन शब्दों को बात कर, किन शब्दों की बात कर रहे हैं? भाषा पर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सही, देखिए भाषा पर नियंत्रण होना बिल्कुल जरूरी है सार्वजनिक अगर जीवन में अगर कोई पर्सनालिटी है, परंतु अगर वो साफ गोई में अगर वो कुछ थोड़ी सी बाउंड्री अगर पार करता है अगर आपके मुताबिक, तो मेरे हिसाब से उसका तिल का ताड़ भी नहीं बनाया जाना चाहिए। अंतरजातीय विवाह का जो मुद्दा आज ने आपने जो उठाया है, जैसा कहा जा रहा, अभी बयान मैंने पूरा सुना नहीं है, हिंदू समाज को मजबूत करने के लिए अगर दलितों में अंतरजातीय विवाह होता है तो ये बहुत अच्छी परिपाटी है। लेकिन ठीक है, यदि उन्होंने अगर यह वर्ड जोड़ा है कि दलित अपना पॉपुलेशन बढ़ाए और पॉलिटिकल वोट बैंक बनाए, तो वो राजनीति से प्रेरित है। बिल्कुल, और उन्होंने यही कहा है अपनी जो जनसंख्या है 16 से 22% बढ़ाइए, और अगर आप ऐसा करते अगर यदि ऐसा तो कहा है, अगर फुटेज में सुनूंगा अगर ये कहा है तो राजनीति से प्रेरित है और समाज के लिए, दलित समाज के लिए बिल्कुल, बिल्कुल, भी कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज नहीं है। अंतरजातीय विवाह हो, बयान सुनवाएंगे और देश में जो सामाजिक जो डिवीजन लाइन है वो खत्म हो, अगर इसके लिए अगर कोई काम करता है तो ये बड़ा ही स्वागत योग्य। चलिए ठीक है, गोयल साहब आपसे जानना चाहता हूं, इस स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं, बीजेपी कैसे ले रही है इस स्टेटमेंट को? देखिए व्यक्तिगत रूप से मैं ये कह सकता हूं,
सीएम पद की गरिमा के अनुरूप ये बयान नहीं है। एक मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि अपने प्रदेश के अंदर सामाजिक विद्वेष बढ़ाने की बात कहेगा, अगर वो ये बात कहेगा कि अगर सत्ता में रहना है तो अंतर जातीय विवाह करो और आबादी बढ़ाओ, तो उससे ज्यादा बेहुदा बयान कोई हो नहीं सकता। इसकी जगह अगर उन्होंने ये कहा होता कि दलित समाज को संगठित होकर, शिक्षित होकर, आगे बढ़कर सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, समाज के प्रति अपना योगदान देना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा लगता। आबादी बढ़ाने वाला प्रश्न तो वैसे भी इस देश के लिए विस्फोटक है। ये 30 करोड़ की आबादी वाला देश जो 1947 में था, 125 करोड़ की आबादी में है, और निश्चित रूप से ये मेरा मानना है कि अगर वो ये कहते कि इस देश में आबादी ज्यादा है, इसको कहीं ना कहीं सब लोग मिलजुल कर इस के बारे में चिंतन करें और सबके लिए समान कानून बने, उस कानून के आधार पर सब लोग उसका पालन करें, तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन उनके इस बयान से सामाजिक विद्वेष बढ़ेगा। बिहार जैसे संवेदनशील जगह पर, यहां पहले से ही बहुत सारी घटनाएं इस तरह की घटती हैं, सवर्णों में और दलितों में एक लाइन खींचेगी। और इसके अलावा और भी बात मैं कहना चाहता हूं, ऑनर किलिंग की घटनाएं बढ़ेंगी। ये बिल्कुल उचित बयान नहीं है। दलित समाज की तरक्की हो, दलित समाज आगे बढ़े, दलित समाज को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे आया। एक बात और कहना चाहता हूं, आज जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है, पढ़े लिखे युवा है, जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, लेकिन वो इस उद्देश्य के लिए हो कि हम सत्ता पे काबिज होने के लिए हो, तो इंटेंशन क्या है? किस इंटेंशन? अंतरजातीय विवाह का यहां पर विरोध नहीं है, अंतरजातीय विवाह होने चाहिए या नहीं होने चाहिए ये एक अलग टॉपिक है, और जाहिर है अंतरजातीय विवाह के ऊपर ये पूरी बहस नहीं है। सवाल ये है कि किस उद्देश्य से ये स्टेटमेंट दिया गया है, राजनीतिक फायदे के लिए क्यों इसे इस्तेमाल किया जा रहा है? मनोज साहब कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक विराट आइडियोलॉजी है ग्रेटर हिंदुत्व की, क्या वो उसे करनी में भी उसे तब्दील करना चाहिए या नहीं? केवल नहीं, जैसे कि केवल हिंदुत्व को आप अल्पसंख्यक विरोध या मुसलमान विरोध के आधार पर बढ़ाना चाहते हैं या हिंदुत्व को आंतरिक मजबूती इसमें दलित देना चाहते की राजनीति कहां से आ गई? जो बहुजातीय जो समाज है, ये दलित विरोधी राजनीति कहां से आ गई? इसमें दलित विरोध, अगर ये कहा जाता है कि राजनीतिक फायदे के लिए अंतरजातीय विवाद नहीं होना चाहिए, तो दलित विरोधी राजनीति कहां से आ गई? कह रहा हूं कि दलित समर्थन भी तो नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आप अंतरजातीय विवाह को जोरदार तरीके से पैरोकारी क्यों नहीं करते? तो क्या अगर हिंदू समाज को मजबूत बनाने की बात करते हैं, तो क्या ये सही नहीं है कि 2000 साल से जो ये हिंदू समाज की जो जातीय व्यवस्था है वो इसकी कमजोरी का बहुत बड़ा कारण है? आज ये धर्म जो है पूरे वर्ल्ड में जाति व्यवस्था को आगे बढ़ा जा रहा है, जो है अपनी वो पहचान नहीं बना पाया। अगर ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि आपको अपनी नहीं, सवाल मैं वही उसी पर ला रहा हूं, सवाल यही है कि हिंदुत्व का एजेंडा या मुस्लिम एजेंडा या दलितों को पीछे करने की बात नहीं है। सवाल ये है कि आप अपनी जनसंख्या बढ़ाइए, आपने बात कही है 16 से 22% कीजिए, सिर्फ इसलिए कि आप अपनी दलित राजनीति को संभाल सके। जनसंख्या बढ़ाने वाला बीआर अंबेडकर वो एक प्रगतिशील बयान नहीं है। बीआर अंबेडकर जो दलित समाज के आदर्श के रूप में जाने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ के रूप में थी और उनको आगे बढ़ाने का काम, उनको राज्यसभा में आगे लाने का काम, चूंकि वो भी एक राष्ट्रवादी विचारधारा के अच्छे विचारक थे और भारतीय जनता पार्टी के दिलों में उनका बहुत बड़ा सम्मान है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जब जब मौका मिला है दलित समाज को गले से गला लगाकर, दलित अलग नहीं है, दलित और हम सब एक है, एक ही खून है, एक ही सब कुछ है, कहीं भी, और ना हम मुस्लिम समाज के विरोधी हैं। जो बात आपने कही कि हम दलितों का मुस्लिमों के खिलाफ उपयोग करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यह कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो हिंदूवाद जो है ये हिंदूवाद की जगह राष्ट्रवाद की बात कहें तो ज्यादा अच्छा है। राष्ट्र के लिए सब लोग हिंदू या और दलित समाज का भी उतना ही योगदान है, किसी जाति विशेष के लिए बात नहीं है। सवाल ये है कि किस जो यहाँ पर बात कही गई है वो किस संदर्भ में कही गई है, सवाल इस पर है। अंतरजातीय विवाह होना चाहिए या जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस पर वो एक अलग मसला है। सवाल ये है कि क्या अपनी राजनीतिक पैठ को बचाने के लिए इस तरीके के बातों को कहा जा सकता है?
क्या इस तरीके की चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है, सवाल यह है। चलिए ठीक है, एक मिनट आऊंगा मैं आपके पास मनोज साहब, बिल्कुल आपको दिखाएंगे पूरी प्रतिक्रिया, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सुनवा देते हैं। अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा मैं जल्द से जल्द वो प्रतिक्रिया जो है हम तक पहुंचाए। आरसी यादव साहब आपको जोड़ना चाहूंगा, ये जो पूरी स्टेटमेंट दी गई है ये क्या जाहिर करती है? कंप्लीटली पॉलिटिकल मोटिव है, और पिछले बार अगर आप देखें तो जितने महादलित वोट थे, जो जदयू के खास वोट बैंक माना जाता था, उसमें मुसहर के नाम पर रामविलास जी के चलते सारे वोट जो है मुसहर कास्ट को माइनस करके जितने महादलित हैं सारे वोट एनडीए को किया है। इसलिए ये लोग थोड़ा घबरा गए हैं और इनको लगता है कि वोट को कैसे वापस लाया जाए, और इसीलिए इन्होंने इस तरह की बात करते हैं किया है, और जो कि काफ़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि सब आदमी जानते हैं कि जनसंख्या जो है कितनी रुकावट है देश के डेवलपमेंट के लिए। एक तरफ आप जनसंख्या पर नियंत्रण की बात करते हैं, छोटे परिवार सुखी परिवार, दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं कि जनसंख्या बढ़ाओ। ये कम्प्लीटली एक है कि किसी तरह हमारी ये क्यों ना माना जाए मनोज साहब। दूसरी बात एक मुझे लगता है एक मिनट एक एक हमको कहने दीजिए आगे एक ले। दूसरी बात इसके पीछे एक और मोटिव भी है, इनको पता है कि ये जो महागठबंधन बना है बनी है ये इसमें झगड़ा होगा लीडरशिप के लिए, तो उसमें ये इस माध्यम से अल्ट्रा दलित पॉलिटिक्स भी करना चाहते हैं। ये चाहते हैं बीच में लालू जी नीतीश जी के बीच झगड़ा होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है, और उसमें हमको ये पॉलिटिकल लाभ मिले, हमको लोग प्रोजेक्ट करें सीएम के रूप में। मनोज साहब अब जो है ये गठबंधन तैयार किया जा रहा है, लेकिन क्या लगता है आपको कि ये उसी की एक झलक है या समझे ये उसी का डर है जो इस तरीके के स्टेटमेंट अब सामने आने लगे? ये तो मनोज जी पता नहीं राजनीति की गहराइयों में अब उसको देखना पड़ेगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बिहार के मुख्यमंत्री का मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं, बिल्कुल, परंतु मुझे ये लगता है कि वो अपने शब्दों के या सेंटेंस फॉर्मेशन में कहीं गलती कर गए होंगे। उनकी मंशा ये होगी कि दलित समाज जो है वो ज्यादा एक तरह से एक्सपोज हो टू द अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। गलती को हम इसलिए और लगा रहे हैं, अंतर जातीय विवाह को प्रमोट करना इसलिए निकाल रहे हैं, एक अगर गलती होती है तो उसे एक्सेप्ट किया जाता है। हाँ, तो और अब तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया, मुझे लगता है उनकी मंशा अंतर जातीय विवाह के जरिए अंतर जातीय विवाह करवाने की है उनकी, और वो भी सिर्फ इसलिए नहीं कि दलितों का उत्थान किया जा सके, जो 20 करोड़ दलित जो हैं देश के अंदर उनको बचाया जा सके। नहीं, सिर्फ सवाल यह है कि समाज में कोहेसन लाने की बात है, बिल्कुल समाज को एक यूनाइट बनाने की बात है। मैं हिंदुइज्म का मैं भी बहुत बड़ा समर्थक हूं, लेकिन इनके तरीके से नहीं। मैं चाहता हूं कि हिंदू में जो इंटरनल जो जितनी कमियां हैं उसको खत्म किया जाए और इसे स्ट्रांग बनाया जाए। मैं तो यह भी कहता हूं कि जो हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर के दूसरे रिलीजन में गए हैं, हिंदू पर काम करने वाले लोगों को उन्हें आमंत्रित करना चाहिए और ग्रेटर हिंदुत्व के तहत जो है उन सभी को शामिल करना चाहिए। हम करते बिल्कुल हैं, करते चले आ ठीक, लेकिन वर्ण व्यवस्था तो हटानी पड़ेगी, बिल्कुल तमाम व्यवस्थाएं जाति व्यवस्था, लेकिन वही सवाल वही आता है घूम फिर के कि अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके का स्टेटमेंट देता है तो जनता के बीच में क्या मैसेज जा रहा है। लेकिन वो प्रतिक्रिया सुन लेते हैं क्या कुछ मांझी ने कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। कम से कम शेड्यूल कास्ट के बच्चों को अंदर जातीय विवाह को प्रमोट करना चाहिए, और यदि हम एक हो गए तो हमारी जनसंख्या 22% की हो जाएगी। अब 22% जो वोट मिला बिहार में सरकार उसी की बनेगी, किसी की नहीं। तो अगर हमारी जनसंख्या 16 से बढ़कर 22% हो जाती है तो वोट हमें मिलेगा, और उसके बाद बिहार में जो सत्ता है वो हमारे ही हाथ में रहने वाली है। सवाल यही है मनोज साहब, अब पूरा स्टेटमेंट आपने सुन लिया, क्या कुछ उन्होंने कहा है? अगर आप कहें तो मैं आपको एक बार और सुनवा सकता हूं। नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग गढ़ने का प्रयास किया है जिसमें कोई दम नहीं है। अगर वो 22% जनसंख्या हो जाएगी, इसका एक मैथमेटिकल आधार क्या है ये कुछ समझ में नहीं आता है। अपर कास्ट का जो पॉपुलेशन है बिहार में वो करीब 12 से 14% है, और जो दलित आबादी है वो करीब 16 से 18% है। नहीं, तो नहीं, पता नहीं मुख्यमंत्री ने ज्यादा ज्यादा है। हाँ, तो ठीक है, मान लीजिए आ जाए कि अगर एसटी और एससी मिलाकर के 24% यदि आबादी है, 22 से 24% आबादी, तो उनका जो ये मैथमेटिक्स है अनुसूचित शेड्यूल कास्ट का अंतर जातीय विवाह से वो कैसे 22% होगा, ये सवालिया निशान उन पर लगता है। चलिए ठीक है, बलबीर ठाकुर साहब जेडीयू से मेरे साथ इस पूरे मामले पर जुड़ रहे हैं। बलबीर साहब आप ही के पास आना चाहता हूं,
यहां जो तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं उनका यह कहना है कि अगर इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जाता है अंतरजातीय विवाह तक ठीक है, आप कहते हैं कि अंतरजातीय विवाह होने चाहिए, दलितों को प्रमोट किया जाना चाहिए, तमाम लोग सहमत है इस बात से, लेकिन सवाल यह है कि अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उचित है, और भी एक राज्य का मुख्यमंत्री यह कह रहा है। नहीं, ये राजनीतिक फायदा नहीं है। मैं इनसे कौन सा फायदा है फिर, ये इनसे पूछिए कि समाजवाद का सबसे बड़ा एक कारण है सामाजिक समरसता, और सामाजिक समरसता में राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश नारायण इन सभी लोगों सवाल यहां पर कहा गया है, यहां पर कहा गया है कि 16% से 22% आप अपनी जनसंख्या बढ़ाइए, उसके बाद जो वोट प्रतिशत हमें मिलेगा उसमें बिहार में जो सत्ता है वो हमारे हाथ में रहेगी। सवाल यह है कि अंतर जातीय विवाह होने चाहिए, मैं बार बार इस चीज के लिए कह रहा हूं कि हम इसके पक्षधर हैं। सवाल यह है कि क्या दलितों का उत्थान इसी तरीके से होगा, और क्या अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए स्टेटमेंट दिया जा सकता है? आप कहें तो मैं एक बार फिर से, यहां मैंने अपने हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उन्हें भी ये स्टेटमेंट सुनवाई है मांझी साहब की, और उम्मीद करता हूं आपने सुनी होगी, नहीं सुनी हो तो मैं सुनवाऊं उन्होंने क्या कहा है। सवाल यही है कि 16% से 22% आप सिर्फ इसलिए होना चाहते हैं या इसलिए दलितों को करना चाहते हैं कि आपका राजनीतिक फायदा हो जाए? देखिए, आप इस बात को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से क्यों देख रहे हैं? चलिए, कौन से परिप्रेक्ष्य देखें आप बता दीजिए। देखिए, समाज के लोगों को, दलित पीड़ित लोगों का अगर उत्थान होगा, अगर अन्य जातियों में विवाह होंगे 16% से 22% करके उत्थान हो जाएगा। आप विकास की बात नहीं हो रही, शिक्षा की बात नहीं हो रही, नहीं आप जीतन राम की बात को जीतन राम की बात को गलत परिप्रेक्ष्य में क्यों ले रहे हैं? हमारा प्रेडिक्शन तो यही कह रहा है, आपका क्या कहता है, कौन सा परिप्रेक्ष्य हो? नहीं, मेरा ये मानना है जीतन राम जी को पूरी बात कहने का मौका नहीं मिला है, और हमारी हमारी पार्टी और हमारे नेताओं का हमेशा से यह मामला रहा है। चलिए ठीक है, एक बार आपको भी सुनवाते हैं, वो प्रतिक्रिया सुनवाते हैं, क्या कहा है उन्होंने, वो पूरी बात कहने का वक्त मिला है या नहीं मिला है, वो बाइट सुनवाते हैं, वो पूरी प्रतिक्रिया सुनवाते हैं, उनकी क्या कुछ उन्होंने कहा, सुन लेते हैं। कि कम से कम शेड्यूल कास्ट के बच्चों को अंदर जातीय विवाह को प्रमोट करना चाहिए, और यदि हम एक हो गए तो हमारी जनसंख्या 22% की हो जाएगी। अब 22% जो वोट मिला बिहार में, सरकार उसी की बनेगी, किसी की नहीं। तो 22% वोट मिला तो सरकार बिहार में उसी की बनेगी, सवाल यही है बलबीर साहब। अब तो आपने पूरी प्रतिक्रिया सुन ली, आप अपनी 22% जो दलितों की जनसंख्या इसलिए बढ़ाना चाह रहे हैं जिससे वोट मिल जाए? नहीं, ऐसा नहीं, नहीं। अब इस परिपेक्ष को आप समझाएं, निश्चित रहिए। नहीं नहीं, परिपेक्ष सीटों को चुनाव, नहीं नहीं बलबीर साहब, परिपेक्ष समझाइए, परिपेक्ष क्या है अब इसका? हमारा जो प्रेडिक्शन है वो जो कह रहा था हमने आपको समझा दिया। देखिए, उनका कहने का तात्पर्य सिर्फ यही था कि सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए दलित पीड़ित शोषित लोगों की अंतरजातीय विवाहों में अब उसको, और उसमें उन्होंने जो वोट का शेयर जोड़ा, वो मेरा मानना यह है कि उनकी अपनी कुछ क्या सोच रही होगी, इस पर मैं ज्यादा विवाद में पड़ना नहीं चाहता। तो एक्सप्लेनेशन नहीं है, सवाल फिर यहीं पर घूम फिर के आता है। वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन क्या ठीक है मैं आपके पास आना चाहता हूं यहां पर आरसी यादव साहब, दलितों का जो समीकरण है जिसे लेकर बिहार के अंदर अक्सर राजनीतिक गतिविधियां चलाई जाती हैं या जिसे लेकर एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, वो बिहार पर हावी है, क्या लगता है इसी चीज को मद्देनजर लेकर वहां पर राजनीतिक ढांचा तैयार किया जाता है? सवाल यह भी है कि अगर इसी ढांचे को तैयार किया जाता रहेगा तो दलितों के बारे में सोचा कब जाएगा, बिहार के बारे में कब सोचा जाएगा? बिहार के बारे में सोचने के लिए इस सबसे आदमी को उठना पड़ेगा। जो पॉलिटिक्स के लोग राजनीति करते हैं उससे दूर होना पड़ेगा, उसकी डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी। अब यही मांझी साहब अगर वहाँ एजुकेशन की बात करते, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते, तो वो एक उसका मतलब होता कि ये कुछ बिहार के लिए सोच रहे हैं।
और इस तरह से जाति के आधार पर बांटे वोट बैंक के लिए, तो इस तरह से बिहार की बिल्कुल सवाल यही है कि अगर दलितों का उत्थान करना है तो शिक्षा के बारे में या उनके विकास के बारे में बात क्यों नहीं होती है? क्या जनसंख्या बढ़ाकर विकास दलितों का किया जा सकता है? अंतर जातीय विवाह होने चाहिए, लगातार हम इसका पक्ष कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि किस संदर्भ में यह बात कही गई है? और साथ ही साथ सवाल यह खड़ा होता है कि क्या जेडीयू और जेडीयू के साथ जो महागठबंधन तैयार हुआ है कांग्रेस और आरजेडी का, उस पर अभी भी बीजेपी का खतरा मंडरा रहा है? यह जहन में चल रहा है मांझी के, सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है।